असाय विच में अवध यूनिवर्सिटी मो डॉक्टर आर के सिंह आयल उन्होंने निवेदन कनुम त ब मिंट असा मार्गदर्शन कर डॉक्टर सिंह जय झूलेलाल बोल सियापति रामचंद्र की जय झूलेलाल बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी का मंच पे बैठे सज्जनों को प्रणाम और सामने बैठे मेरे जितने साथी हैं उन लोगों को प्रणाम मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा SCPCL PSL का जिन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को एक केंद्र दिया और ख़ासकर रवि जी का विशेष धन्यवाद उन्होंने हमारा ध्यान रखा और अयोध्या को अपने सिंध समाज के मंच पे एक जगह दी विशेष धन्यवाद मैं आगे भी धन्यवाद कहना चाहूँगा जो हमारे नए डायरेक्टर साहब आए हैं कि जो बीज आपने बोया है रवि जी ने उसको पुष्पित और पल्लवित करते रहेंगे हमारा साथ देते रहेंगे इसके लिए भी मेरा आग्रह हमेशा रहेगा मैं हमारे यहाँ जो केंद्र खुला है उसके लिए मैं चूँकि सिंध समाज से नहीं हूँ तो विशेष धन्यवाद मैं अपने वाइस चांसलर को दूंगा प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी को जिन्होंने मेरा चुनाव किया मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर से चाहना थी क्योंकि 16 वर्षों से सिंध समाज के साथ में रहा वहाँ रामनगर है एक संघ का विद्यालय है उस नाते वहाँ सब से जितने भी सिंध समाज के लोग हैं वो हमारे साथ रहे तो इसलिए अंदर से एक इच्छा तो थी लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो ईश्वर की कृपा थी रवि जी का विशेष धन्यवाद तो शायद इन्होंने सिफारिश की होगी इसलिए मुझे ये पद मिला और उसके बाद चूंकि अब ये जिम्मेदारी मिली तो मैं बड़ा परेशान था कि मैं कैसे इसको सहेजूंगा कैसे आगे बढ़ूंगा सरल जी से मुलाकात हुई तो मैंने सबसे पहले आपको काउंसलर के रूप में अपने यहाँ लिया सरल जी के साथ धीरे धीरे रहते रहते काफ़ी समय हो गया पहले उनकी आक्रमता से मैं बड़ा डरता था लेकिन उनकी आक्रमता जो थी आक्रमण जो वो करते थे दरअसल वो सिंध समाज की एक चिंता थी जिससे उनके विचार प्रस्फुटित होते थे यही उनकी आक्रमकता है तो धन्यवाद आपको भी सरल जी बहुत अच्छा लगता है अब आपकी आक्रमकता से मुझे डर नहीं लगता है बल्कि एक नई चीज़ें मिलती हैं इनोवेशंस मिलते हैं नए आइडियाज़ मिलते हैं हमने सबसे पहले शुरुआत में ही ग्रेजुएशन यानी BA और MA दोनों एक साथ शुरू किए सबसे बड़ा विषय था बड़ा मुश्किल समय था हमारे लिए और ख़ासकर छात्र ढूंढना बहुत एक भागीरथी प्रयास था खैर आपके सिंध समाज के सहयोग से हमें 10 छात्र अपने MA में मिले हैं और 20 छात्र अपने BA ग्रेजुएशन के लिए मिले हैं उसके बाद फिर NCPCL की जो हमारे पास जो पैसे आए हैं उनकी ब्याज से हम कुछ कोर्सेज चलाना चाहते हैं सर्टिफिकेट हैं डिप्लोमाज हैं तो सरल जी से मैंने विचार किया तो एक बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे पास आए कि हमें सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किस में करने चाहिए तो पहला आइडिया है कि सर्टिफिकेट कोर्स जो है हिस्ट्री ऑफ सिंधी सिंध वो बहुत ज़रूरी है दूसरा आइडिया है एक सर्टिफिकेट कोर्स ज्योग्राफिया ऑफ सिंध ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं देख रहा था अभी जीवन भाई साहब थे और सरल जी थे तो इन्होंने जब अपना परिचय दिया तो उस गांव का परिचय दिया जो सिंध में था ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा परिचय है क्या हम कौन हैं हम कहाँ की मिसाल दें तो ये बहुत अच्छा लगा तो सर्टिफिकेट कोर्स जो है हम ज्योग्राफिया ऑफ सिंध और फिर सर्टिफिकेट कोर्स जो एक कल्चर ऑफ सिंध ये बहुत ज़रूरी था इन सब में सिंधी भाषा कॉमन है सिंधी भाषा के ही तहत हम आगे बढ़ेंगे दूसरा एक सर्टिफिकेट कोर्स इन्होंने भगत जो विधा है अब मुझे बहुत जानकारी नहीं है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा अगर किसी विधा पे हम कोई सर्टिफिकेट कोर्स देते हैं अपने बच्चों को तो ये बहुत अच्छा लगा एक चीज़ और बहुत विशेष जो हमारे हम लोगों के दिमाग में आई जो सरल जी ने सुझाया कि एक सर्टिफिकेट कोर्स जो है पुरोहित कर्म जो है सिंध संस्कार विधि
ये एक आइडिया बहुत अच्छा लगा हमको कि इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज होने चाहिए, और ये हम लोगों ने कोशिश की है कि इस वर्ष हम इन सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज को अपने यहाँ शुरू करेंगे। और एक चीज़ और अच्छी लगी, मैं मंच पे देख रहा था, ये इतना 30x17 फीट का जो आपने लगाया है, इसमें जो भारतवर्ष की पहचान है, मेरे हिंदुस्तान की पहचान है, वो सिंधु सभ्यता से है, ये सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी और आपने उसका प्रदर्शन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो है, एक बहुत मेरा आवाहन है पूरे सिंध समाज से कि हमारे पास सिंध के शिक्षक नहीं हैं, तो अगर आप कुछ समय हमको दे सकते हैं, चाहे एक ही हफ्ता दें, तो फैकल्टी अगर कोई हमारे पुराने रिटायर्ड लोग हैं या ऐसे इच्छुक लोग जो कुछ कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हमें गाइड करना चाहते हैं, तो आप सब के लिए आमंत्रण है। अवध विश्वविद्यालय के द्वार खुले हुए हैं, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि सिंध समाज के, सिंध के विकास के लिए आप हमारे यहाँ आइए, स्वागत है आपका। एक बड़ी चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है अक्सर, तो मेरा सपना भी है, शायद मैं पूरा कर पाऊँ, नहीं करूँगा तो भिक्षामी देही की तरह झूला उठाऊँगा, आप ही लोगों से भीख मांग के एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे संग्रहालय सिंध समाज के लिए खड़ा करना है, ये एक मेरे दिमाग में आया है। और उसी संग्रहालय के अंदर हम लोग सिंध समाज का इतिहास, हमारी पहचान, कौन सी महापंचायत या जो भी हैं, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सुन सुन के समझ पा रहा हूँ कि ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। हम कौन हैं, हम कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या हैं, इसका प्रदर्शन एक जगह ज़रूर होना चाहिए, और वो आप लोगों का एक धार्मिक प्रतिष्ठान बनना चाहिए। जैसे जय झूलेलाल आप कहते हैं, ऐसे जय सिंध मैं कहता हूँ। आइए, स्वागत है आपका, एक अयोध्या में हम राष्ट्रीय संग्रहालय खड़ा करें और आप सबकी पहचान पूरे देश में बने। और इसके लिए मैं एक और चाहूँगा कि NCPSL है, ये मेंटोर के रूप में हमारे जितने भी सिंधी एकेडमी हैं हर स्टेट के अंदर, तो मेरी ये चाहत रहेगी कि आप उन सबको गाइड करें, और वो जो सिंधी एकेडमीज़ हैं वो आपस में कोरिलेटेड हों, जुड़े हैं हम आपस में। हमारे साथ बड़ी विडंबना है कि शायद हम जुड़ नहीं पा रहे हैं कहीं से, ह्यूमन चेन नहीं हमारी बन पा रही है, ये ह्यूमन चेन बनानी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप ह्यूमन चेन बना डालेंगे, तो जैसे जैन संप्रदाय खड़ा हो गया है, बौद्ध संप्रदाय खड़ा हो गया है, तो सिंधु संप्रदाय क्यों नहीं खड़ा हो सकता, ये मेरा आपसे आग्रह। रही बात, कई बार मैं देखता हूँ कि बात चलती है कि साहब हमारे पास साधन संसाधन नहीं है, तो हमारे पास इतनी सिंध समाज की ताकत है, हम पूरा जोर देके केंद्र सरकार पे, अपना राज्य सरकार पे एक दबाव बना सकते हैं। अगर सब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता धनाभाव होगा, और अगर होता है तो भिक्षामी दे ही अपना कटोरा लेके हम चल देंगे, पूरे सिंध समाज से मांगने लगेंगे कि सिंध की सभ्यता बचानी है, सिंध का, सिंध लैंग्वेज बचानी है हमको, इसके लिए कुछ ना कुछ करो। तो यही मेरा आपसे आग्रह है। दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि जो पुराने लोग हैं सिंधी बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई थोड़ा टच रहा, अब जो लेटेस्ट जनरेशन आ रही है वो शायद सिंधी भाषा से कुछ दूर होता हुआ जा रहा है। तो उसके लिए मुझे आपसे आग्रह ये है कि सिंध समाज के अगर भजन कीर्तन इसकी ऑडियोज़ वीडियोज़ या आपके पास हों, तो आप अपने घर में ज़रूर उनको बजाएं, ज़रूर उनका जो है प्रदर्शन घर के अंदर हो। घर में जब जब वो बजेगा तब तब बच्चे उसको सुनेंगे और उससे जुड़ेंगे। शायद ये मेरा ये प्रयास मेरे लिए शायद ये ठीक रहेगा आप लोगों के लिए कि आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जितने भी सिंधी संस्थान और प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर भी अगर आप कोशिश करें, तो आपके जो भी गुरु महाराज लोग हैं उनके संदेश, उनकी वाणियाँ, जैसे गुरुवाणी पंजाबी में होती है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी अपने संस्थान में लगातार 24 घंटे उनको चला सकते हैं, सिंधी लैंग्वेज को हम बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ द वे वी कैन डू इट। घर से शुरू करें और प्रतिष्ठान तक चले जाएं, वहाँ भी सिंध जो लैंग्वेज है हमारी डेवलप हो जाए, ठीक इसी प्रकार से धीरे धीरे। और दूसरा एक और आग्रह मेरा आप लोगों से है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेच्योर लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन युवा ताकत नहीं है, युवा शक्ति नहीं है,
आप सब लोगों से, अभी किसी ने आइडिया दिया था मुझे कि हर व्यक्ति 5 युवाओं को अगर ले आएगा तो यह हमारा सम्मेलन बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। 5 युवा, 5 लड़के और 5 लड़कियां एक साथ अगर हम ले आएंगे तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। तो ये कुछ छोटे 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 आइडियाज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। लेकिन मेरी जो है मैं आपसे फिर भिक्षा मांगता हूँ कि राष्ट्रीय संग्रहालय ज़रूर रखिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि उसके लिए मेरा सहयोग ज़रूर कीजिएगा। मैं भिक्षा में देही के तहत आऊँगा आपके पास और भिक्षा मांगूँगा इसकी। एक चीज़ और बहुत मैं महत्वपूर्ण थी जो मैं बताना भूल गया कि हम हर शहर में जो भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं जो एकेडमीज़ कर रही हैं तो इसको हम समाज में ला सकते हैं। सिंधु मेला, आप हर शहर में सिंधु मेला खड़ा करें, वर्ष में एक बार सिंधु मेला लगाएं और उसमें सारी प्रतियोगिताओं का प्रदर्शन हो। अगर आपकी भाषण कला है सिंध में वो हो, अगर आपकी पेंटिंग है तो वो हो, अगर आपका डांस है तो वो हो, आपकी अनान्य कलाएं जो भी हों उसका प्रदर्शन उस सिंधु मेले में ज़रूर हो। ये आ गया, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।